ये देखो गाड़ी को ठोक के गए थोड़ा पीछे से, थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा। अब रान थोड़ी हेल्प कर रहे हैं उनके पापा की काम करने में, पेंट वगैरह सब साफ कर रहे हैं उसका। तो सुबह से हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो रही थी क्योंकि हम लोग आज संडे है, बाहर जाने का सोचे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से है। तो मैं हूँ ज़ैनब और ये है कुलसुम। तो सुबह से हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो रही थी क्योंकि हम लोग आज संडे है, बाहर जाने का सोचे। बहुत टाइम के बाद हस्बैंड बोले कि बाहर जाएंगे आज बच्चों को लेके। बच्चे भी बहुत बोर हो गए थे 15 दिन से घर में रह के। तो मैं और कुलसुम बोल रहे थे कि कुलसुम बोल रहा रिश्तेदार के पास जाएंगे किसी, लेकिन मैं बोल रही कि नहीं कहीं बाहर जाएंगे। ये बोलते बोलते शाम के 5 बज गए और अभी तक भी कुलसुम का काम हुआ नहीं। देखो मैं रेडी होके पूरा आ गई नीचे, कुलसुम अभी भजिए तलने में, अपने घर के काम के मसरूफियात में है। तो मैं बताती हूँ, देखो कुलसुम अभी शाम की पकवान कर रहे है नहीं, अभी पूरे बर्तन साफ हुए वो हुए। और ये देखिए दही की कढ़ी बनी कुलसुम के पास। और क्या बनाए कुलसुम? भजिए तले। तो बच्चे रेडी हुए नहीं हुए अभी तुम्हारे? नहीं नहीं हुए। फिर कब करते, जल्दी करो, भाईजान भी गाड़ी बना रहे। और एक चीज़ हुई भाई, कल हम हस्बैंड गाड़ी लेके बाहर गए थे थोड़ा ड्यूटी पे, कोई पीछे से लाके गाड़ी को मार दिए और टक्कर हो गई समझो। स्लो पे थे, पीछे वाले की गलती थी, लेकिन उतने पे भी हमारे शोहर को बहुत रहम आ जाता लोगों के ऊपर जल्दी। तो उन्होंने क्या करे, चलो माफ़ कर देता हूँ भाई बोल के खामोश बैठ गया। लेकिन दूसरे रहते तो गाड़ी की भरपाई करके जाओ बोलते थे, लेकिन हमारे हस्बैंड बहुत रहम दिल वाले हैं, किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। हुआ तो हुआ, अपना नुकसान छोड़ के आ जाते लोगों। तो बताती हूँ मैं आप लोगों को, आइए। ये देखो गाड़ी को ठोक के गए थोड़ा पीछे से, थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा। अब फैजान करो माँ, फैजान थोड़ी हेल्प कर रहे हैं उनके पापा की काम करने में, पेंट वगैरह सब साफ कर रहे हैं उसका जो भी ख़राब हुआ। और यहाँ पे फैजान के फ्रेंड आए खेल के लिए, वेट कर रहे हैं उनका, वहाँ पे स्टार्ट हो रहा थोड़ा गेम। कहाँ जा रहे समायरा? कच्चप खाने जा रहे हैं। इनको बोले कच्चप खाने तुम्हारे बोले, कौन बोले कच्चप खाने जा रहे हैं? मैं बोली। क्या डिसाइड हुआ, कहाँ जा रहे? मेरा फोन दिया। तो फाइनली डिसाइड हो गया जाने का हम लोगों का, और सब तैयार भी हो गए। तो अभी बोलते नहीं हम लोग, हाँ जाके बताते आप लोग, हमारे साथ व्लॉग में बने रहे आप लोग। अब क्या देखते ठहरे वो? और फुजेल देखो वहाँ दोस्तों के पास चले गए, गाड़ी रेडी है, हस्बैंड गाड़ी भी तैयार कर दिए। आहिल जाओ बुला के लेके आओ, जाओ जाओ बुला, जल्दी बुलाओ, जाओ पापा निकल जाते नहीं तो। तो आहिल जा रहे बुलाने के लिए। ये देखो गाड़ी भी निकाल रहे हस्बैंड अभी, और समायरा भी तैयार हो गया है। समय आहिल आ रहे देखो वहाँ से, फुजेल को बुलाने गए थे लेकिन फुजेल वहाँ पे नहीं है बल्कि आया। अब कहाँ ढूंढेंगे फुजेल को, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे भी नहीं गए, ये गली में भी नहीं गए, नहीं है। कहाँ गए मुसाब भैया? भी नहीं है। और यहाँ पे फुजेल मैकेनिक गिरी कर रहे, देखो फैजान। और आहिल ये दूसरी गली में जा रहे बुलाने के लिए फुजेल को। किसके? आज संडे है ना, तो कॉलोनी पूरी शांत है, खामोश ही है कॉलोनी में। क्यों बोल तो पूरे घूमने के लिए जा रहे, हमारी गाड़ी भी रेडी है वहाँ पे, और एक गाड़ी पीछे रेडी है जो कि बाहर जा रहे फिरने के लिए लोग भी। तो संडे है ना, कॉलोनी वाले पूरे निकलते बाहर। ये देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, और एक गाड़ी जा रही सो पूरे बच्चे लोग। ये देखिए ये लोग भी जा रहे कहीं घूमने, और हमारी भी गाड़ी है यहाँ पे। और ये रोड भी बहुत साफ हो गई, इससे पहले बताई थी आप लोगों को मैं, पूरे गड़े गड़े थे देखो,
रोड भी बहुत अच्छी हो गई, अब इधर जाके पूरे करके गए काम यहाँ पे। और ये मेहंदीपट्टनम है, देखिए कितनी ट्रैफिक है यहाँ पे भी, पूरा दो साइड भी ट्रैफिक फुल है। इतना टाइम लग गया ना ट्रैफिक में, मगरिब से पहले निकले थे हम लोग, इशा के करीब है जो मेहंदीपट्टनम पे है हम लोग। 10-15 मिनट के बाद में NMDC के पास पहुँचे हम लोग। देखिए अब हैदराबाद में जो देख रहे मेरा व्लॉग, उन लोग को तो मालूम हो गया था हम लोग काम पे आ रहे रास्ते से। ये सेक्रेटरीट है जो कि टैंक बैंड पे है, जो आउट ऑफ देख रहे उनके लिए बोल रही हूँ मैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए कहाँ से देख रहे। तो हम लोग पूरा टैंक बैंड फिर रहे थे, बच्चों को बता रहे थे यहाँ पे ये है वहाँ पे वो है बोल के। उन लोग बोल रहे थे कि गाड़ी रोको रोको, लेकिन यहाँ पर जगह जरी भी नहीं थी ट्रैफिक होने से, इसलिए हम लोग गाड़ी कहीं पे भी नहीं रोके, क्योंकि पार्किंग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ पे। और बस ऐसी बच्चों को बताते हुए लेके गए जल विहार वगैरह बाहर से ही। यहाँ पे भी देख रहे थे, देखिए गाड़ी पार्क करने के लिए जरूरी भी जगह नहीं थी, इतनी ट्रैफिक इतने लोग थे ना वहाँ पे, बहुत मुश्किल हो रही थी पार्किंग के लिए रोकने के लिए। बच्चे बोल रहे थे रोको रोको, लेकिन मुश्किल से बहुत मुश्किल से थोड़ी दूर जाके मिली पार्किंग। यहाँ पे देखिए बच्चे हॉर्स राइडिंग भी कर रहे। यहाँ पे मिली ये लोग गाड़ी हटाने के बाद में हम लोग को जगह मिली, तब बहुत थक गई, हालत बैठ बैठ के तुम्हारी। बच्चे बोलने से देखिए यहाँ पे पूरा रश है, आज संडे है ना, इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सैटरडे और संडे के टाइम पे बहुत ट्रैफिक रहती। तो हस्बैंड वहीं पे है अभी गाड़ी के पास में, दिख रहे भी नहीं लोगों में। देखिए तो ये फैज़ान भी थक के आके बैठ गए यहाँ पे फ़ोन ले लेके। और फैज़ान थक गए बहुत 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 दूर से, माशाल्लाह बहुत दूर से पैर दर्द हो गए बैठ बैठ के इतनी देर से हम लोग के। कहाँ जा रहे तुम लोग? ए इधर आओ चलो मम्मी, पूरे लोग आए देख रहे नहीं, इधर उधर हो जा। हाँ दिलाते सब दिलाते जाते। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है देखिए बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए। हाँ यहाँ पे सब लेने के लिए बच्चों के खिलौने वगैरह है देखिए। और राहिल भी बोल रहे दिलाओ दिलाओ, टॉयज है नहीं। ये रिकॉर्डिंग फैजान करे और आके बोल रहे बच्ची क्या गिर 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 कटा मार रही मम्मी गाड़ी पे का देखते। और बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे, देखे कुलाटियाँ मार रहे, जिमनास्टिक कर रहे गार्डन में, सरों को माराने लग रहे बोले बोले। तो बच्चों को थोड़ा बहुत स्नैक्स खिला लिए वहाँ पे हम लोग, और अब वहाँ से निकल गए घर को जाने के लिए। देखेंगे थोड़ा बहुत रास्ते में कहाँ लेक जाते और हस्बैंड कहाँ पे फिर आते।
तो ये देखिए पूरे आइसक्रीम वगैरह की दुकान है यहाँ पे, बहुत रश थी यहाँ पे, तो इसलिए बैठ नहीं सकते थे, ज़रा भी बच्चों को छोड़ नहीं सकते थे। वहाँ पे एक बच्ची भी घूम गई थी जिसकी नानी दादी बेचारे ढूंढ रहे थे, बहुत परेशानी है बच्चों को, तो अकेले वहाँ पे ज़री देर भी नहीं छोड़ सकते थे, नज़रों से दूर भी नहीं कर सकते थे। तो चलिए मिलते आगे आप लोगों से। और ये हस्बैंड लेके आए देखिए विजयनगर कॉलोनी, यहाँ पे पूरे स्ट्रीट फूड्स है, स्ट्रीट पूरा रोड पे देखिए ये साइड पूरे शॉप्स है खाने के, पूरे हर एक आइटम है यहाँ पे, ठंडा गरम गच्चुप कबाबा नूडल्स वगैरह। और ये राइट साइड पे पूरे सीटिंग है एरिया, सीटिंग एरिया है जहाँ पे बैठ के खा सकते, फैमिलीज कार लगा के सामने खा रहे थे। ये देखिए कबाबा वगैरह सब हर चीज़ है यहाँ पे, और अच्छा सजाया है, यह हाल में लगा है यहाँ पे, नहीं तो नहीं था कुछ भी, एक शायद डेढ़ साल दो साल करीब हो रहा लग के विजयनगर कॉलोनी में। और थोड़ी दूर के बाद में हम लोगों को सेंट्रल स्कूल के पास गच्चुप की बंडी दिखती जहाँ पे कोई भी नहीं थी, तो हम लोग गच्चुप खाने रुक गए। और ये देखो आहिल को और फैजान को, दोनों को गाड़ी में कोई भी नहीं थे, बल्कि गाना लगा के डांस कर रहे दोनों, लेकिन लोग दिख रहे थे वहाँ पे डांस कर रहे थे बच्चे। यहाँ पे ज़बरदस्त लड़ाई हो रही थी दोनों की, एक एक सामने आके क्या गालियाँ दे ले रहे थे। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सबको दुआओं में याद रखिए। फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं अगली ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।